बुलडोजर सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है जब तक दूसरों पे चलता है, देखने में भी बहुत मज़ा आता है। देखो देखो किसी के घर पे बुलडोजर चला है, लेकिन जब वो बुलडोजर अपने घर की तरफ मुड़ता है या फिर अपनी तरफ मुड़ता है तो समझ में आता है कि बुलडोजर सिर्फ़ और सिर्फ तबाही लेकर आता है। बुलडोजर से किसी का भला नहीं हो सकता। आज नोएडा में एक जूस की मशीन लगाने वाले सतीश गुज्जर नाम के शख्स के पूरी की पूरी मशीन पर ही बुलडोजर चल गया। उनकी मशीन को उठाया गया और ट्रक में लाद कर ले जाया गया, या यूं कह लीजिए कि मशीन को भी उनके पास नहीं रहने दिया गया। वो चलने वाली मशीन थी रिक्शा की, वो जा रहे थे, उनको रोका गया, मशीन को उठा गया, ट्रक में डाल दिया गया। अगर उनको जाने दिया होता तो वो चले जाते अपनी गाड़ी स्टार्ट करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 80,000 रुपये की उनकी मशीन थी पूरी, उसको तोड़ के डाल दिया गया ट्रक में। विनोद कापरी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ये वीडियो बना ली। खैर, अच्छी बात ये हुई कि ये एक केस वायरल हो गया, ये एक केस वायरल हो गया, लोगों को गुस्सा आया सोशल मीडिया पे, और सतीश गुज्जर तक काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों ने पैसे दिए। और सतीश गुज्जर ने शाम के वक्त विनोद कापरी को फ़ोन किया कि जितने पैसे उनकी गाड़ी के लिए चाहिए थे दोबारा नई गाड़ी लेने के लिए उतने आ गए हैं, आप प्लीज़ मना करवा दीजिए लोगों से कि और पैसे ना थे। तो सतीश गुज्जर जी को तो पैसे मिल गए, लेकिन ये तो एक केस था जो हमारे सामने आ गया। इस तरह से बुलडोजर कितने रेडी वालों पे चल रहा होगा, जाहिर सी बात है, ये तो हम सभी जानते हैं। 90% जो रेहड़ियाँ होती हैं वो सड़कों के किनारे लगी होती हैं, जो कि इलीगल है, लेकिन एक तरीका होता है, आप उन्हें समझा सकते हैं कि चले जाइए, जिसमें कि चलने वाली रेहड़ी है, अगर आप उसको करेंगे कि आगे चले जाओ तो वो चला जाएगा। कई बार प्रशासन भी इतना परेशान हो जाता है कि डेली के डेली उन्हें हटाना पड़ता है, तो वो इस तरह की सख्त कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन कितनी भी सख्त कार्रवाई हो, इस तरह की घटनाओं का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया जा सकता कि एक गरीब आदमी जो मुश्किल से 15-20 हज़ार रुपये महीने में कमाता होगा, उसकी आप 80,000 रुपये की पूरी मशीन ही तोड़ दें और उसको अपने साथ ले जाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।